देखिए, खेसारी लाल यादव अपने जन्मदिन पर खाना खिला रहे हैं वृद्धाश्रम में गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जिन लोगों को घर से निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों को अपने जन्मदिन पर खाना खिला रहे हैं खेसारी जी से। हम बात भी करेंगे आप लोग देखिए लाइव के माध्यम से। और खेसारी जी अभी पूरी सब्जी सब कुछ खिला रहे हैं, मिठाई भी बंटवा रहे हैं अपने जन्मदिन पर। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कि खेसारी जी जो काम कर रहे हैं इससे आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुशी मिल रहा है। लोग अपना घर बनारस में है और आज मेरा बर्थडे है और यहाँ 400 से 500 लोग और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता करने वाले हमारे डॉक्टर साहब जो मेन मालिक हैं, ट्रस्ट के मालिक हैं। और मैंने अभी देखा, आज मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सेवा है ये लोगों का सेवा करना। मैं सबसे अपील यही करूँगा, मैं तो अपने बर्थडे पे हमेशा जहाँ भी रहता हूँ, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, हर जगह जाते रहता हूँ और उनके साथ रहने में मुझे खुशी मिलती है कि भगवान ने मुझे उस लायक तो बनाया है कि मैं 2-4-5-10 लोगों का सेवा कर सकूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद असल ज़िंदगी समझ में आई कि सेवा का मतलब क्या होता है। हम दुनिया के मनोरंजन कराते हैं बस, बट ये लोग जो सेवा कर रहे हैं, तो मैं सबसे अपील यही करूँगा कि अगर हर आदमी ऐसा सोचे तो ज़िंदगी में कोई अनाथ नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके परिवार के लिए आपकी ज़िंदगी नहीं बनी है, बल्कि आप अगर अपने आप को किसी और को भी देते हो तो आपका एक हिस्सा होता है ज़िंदगी में और इस समाज में। तो कोशिश हर आदमी को, तो आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं कम से कम एक दिन का ही खाना इनको दे पा रहा हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम एक बार कपड़े ही आज दे रहे हैं, लेकिन वही मेरे लिए बड़ी बात है कि बस भगवान मुझे बहुत ऊपर ऐसा ले जाए कि ऐसा ऐसा वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम को मैं हर दिन खाना करूँ, खिलाऊँ, हर दिन डोनेट करूँ और जितनी सक्षमता होती है मैं करते रहता हूँ। ईश्वर किसी को अनाथ ना बनाए, मेरी शुभकामना है भगवान से कि भगवान किसी को अनाथ ना बनाए, ताकि किसी जीवन में ऐसा पल कभी ना आए कि अपनों को छोड़ के उनको किसी और के घर पर रहना पड़े, किसी और आश्रम में रहना पड़े। क्योंकि यहाँ जितने भी माँ बाप हैं, मुझे लगता है किसी ना किसी का औलाद तो ज़रूर होगा। तो कोई भी माँ बाप औलाद पैदा इसलिए करता है कि ताकि बुढ़ापे में या हमारा कोई बुरा समय चले तो समय औलाद हमें मदद करे। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए हर वो कष्ट उठाते हैं, खुद भूखे रह के अपने बच्चों को खिलाते हैं, वैसे भी यहाँ माँ बाप ऐसे हैं। लेकिन मैं सबसे अपील यही करूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा सेवा अगर है तो माँ बाप का है। तो आप लोग अपने माँ बाप से बहुत प्यार करिए ताकि अपने आपके माँ बाप को कहीं आश्रम में ना जाना पड़े, बस यही अपील है। और अभी हम लोग सबको खाना खिलाएंगे और सबके साथ खाएंगे भी और कुछ कपड़े भी हैं क्योंकि लोगों को देना है। तो बस कोशिश आप भी करिए कि आपके भी जन्मदिन हो तो हर वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम में जाकर एक दिन का खाना खिलाए। हर आदमी अगर ऐसा करेगा तो मुझे लगता है कि अपना घर जैसा जो जहाँ भी आश्रम है उन पर लोड कम हो जाएगा। तो समाज का दायित्व तो बनता है कि अगर कहीं समाज के हित में कुछ हो रहा है तो मैं डॉक्टर साहब को ढेर सारा साधुवाद करता हूँ कि ऐसे लोग धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं। तो भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि ऐसे ही आप दुनिया का सेवा करते रहें और उस सेवा में हमारा भी एक छोटा सा सहयोग हो जाए। फतेह हारा हारा महादेव। Thank you.
ठीक है लिटिल करता हूँ। आप लोग खाइए, हमें चलो खाइए, आप लोग खाइए।